ऐतिहासिक ठोस बात गाता है तो सुनने वालों में जोश भर जाता है, और जब गाने वाली एक ठुमका मार दे तो गणकर से के कुत्ते फैल हो जाते हैं, ये भी सच्ची बात है। पंडित लक्ष्मीचंद ने श्रृंगार रस का किस्सा ठा रखा। इब एक छोरा और एक छोरी दोनों ने देख के पंडित लक्ष्मीचंद के मन में बात आई, ये करे के है, इसकी तरी आंख फट गई थी। सजनो एक रागनी उसी टेम गढ़ दी, एक लड़का एक लड़की को देखकर जिससे वो सच्चा प्यार कर बैठा, और वो किस प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद ने श्रृंगार रस और अपनी ब्रह्म ज्ञान की शैली को रखते हुए किस प्रकार उस लड़की पे ताना मारते हुए क्या कह दिया, एक बार जोरदार ताली का आशीर्वाद। आई झांकी की मगोला मारो, हो ये बाट गोपिया सनिका, और बताया क्या, अरे एक निशान न चुकन दूना छड़िया बाण चुकने का, एक निशान ना चुकन दूना छड़िया बाण चुकने का, तेरी झांकी के मगोड़ा मारू बाट गोफिया सन का, एक निशान ना चुकन दूना छड़िया बाण चुकने का, एक निशान ना चुकन दूना छड़िया बाण चुकने का। छोरी को देखा था, छोरी का नाम बताओ क्या था, के बर्फी देवी, बर्फी देवी जी। और वो छोरी के रूप हुसन को देखते हुए, छोरी को देखते हुए कैसे उसके रूप हुसन के बारे में कैसे एक एक बात कैसे के बताना के बोला। हाँ। चुकन दियो ना
छड़िया बालक बने का एक निशाना चुपन दूना छड़िया बालक बने का जरूरत पड़ती है, वरना बिना साथी के जीवन अधूरा रहता है। दादा ने भी उस छोरी से कहा, उसके रूप हुसन को देखते हुए कहा कि अभी लगती है, अभी ऐसा लगता है जैसे इसकी शादी नहीं हुई। आइए प्रेमी सजनों, तीसरी मार के अंदर दादा ने कैसे के बताया बना के बिन मालम का के बिन मालम के तेरे जो बन की रे रे माटी हो जागी चूक चे बन की ते तेरे कालू चाटी हो जागी के मेरे बोलन सुन सुन के तेरी राजी छाती हो जागी मेरी गहल चाल परी मारी राजी जाती हो जागी राजी जाती हो जागी हड पकड़ के बैठी से हो हड पकड़ के बैठी से निशाना चुपन दूना छड़िया बालक बने का एक निशाना चुपन दूना छड़िया बालक बने का हुजूर आते निशाना चूकन दूना छड़िया बालक पड़े का।